नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल मशीन, आइडियल एफर्ट और आइडियल लोड के बारे में। ये जो टर्म होती हैं लिफ्टिंग मशीन से ये जुड़ी होती हैं, तो ये क्या होती हैं, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट हैं, बेसिक डेफिनेशन जो हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। जो हमने पहले एक लिफ्टिंग मशीन और मशीन का लेक्चर पढ़ा था और उसकी बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो पढ़ी थी, तो आज हम इन तीनों टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और इनको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आइडियल मशीन की। आइडियल मशीन क्या होती है? देखिए, कोई भी मशीन, मान लीजिए एक पुली है और उसके थ्रू आप लोड को उठाते हैं। तो आपने एक रोप के थ्रू लोड को लटकाया हुआ है और आप लोड को उठाते हैं, तो आप एफर्ट अप्लाई करते हैं पी। तो आपने पी एफर्ट अप्लाई किया और लोड को उठाया। अगर इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन लॉसेस ना हो, यानी कि जितना आपने एफर्ट लगाया उतना ही लोड, जितनी दूर आप एफर्ट को लेके गए, जिस गति से या जिस फोर्स से, उतना ही जो लोड है उतना ही डिस्प्लेस हुआ, तो इनपुट यानी जितनी आपने दी वो आउटपुट के बराबर है, यानी कि आपने जो इनपुट दी वो आउटपुट के बराबर हो, तो उस मशीन को हम आइडियल मशीन बोलते हैं, जिसकी एफिशिएंसी होती है 100%। यानी कि जब इनपुट आउट इक्वल टू होगी आउटपुट के, यानी कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ना तो फ्रिक्शन के कारण हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, या हम जो फ्रिक्शन लॉसेस हैं, इस तरह के लॉसेस हैं, उनको नेगलेक्ट कर दें, तो एक जो मशीन है इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाएगी, यानी कि जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतना ही जो लोड है वो डिस्प्लेस करेगा, जितना अकॉर्डिंग टू आपने एफर्ट लगाया है। तो इसके अंदर इनपुट इक्वल टू आउटपुट है, यानी कि वर्क इनपुट बाय एफर्ट और जो वर्क डन है ऑन द लोड, तो इनपुट इक्वल टू है आउटपुट। तो ऐसी ही मशीन को हम आइडियल मशीन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो इनपुट है वो हमने पहले भी डिस्कस की थी, जो इनपुट होती है वो होती है एफर्ट इंटू जो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट है, यानी पी इंटू वाई है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ से एफर्ट यहाँ आया, ये फर्स्ट पॉइंट था, जब आपने यहाँ से एफर्ट लगाया तो फर्स्ट सेकंड पे शिफ्ट हुआ, इतना डिस्टेंस इसने कवर किया यानी वाई। तो P इंटू वाई जो है वो है इनपुट, यानी कि एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, P इंटू वाई। इसी तरह से आउटपुट, जो लोड था वो कितना लिफ्ट हुआ, ये यहाँ था, मान लीजिए यहाँ तक ये आया, ये x लिफ्ट हुआ, तो W इंटू एक्स, यानी कि जो वर्क डन है वो कितना होगा, W इंटू एक्स होगा, यानी कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट। ये आप ये इन टर्म्स में इनको लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होती है, वो भी हमने डिस्कस की थी, वो होती है W बाई पी। और जो आपकी वेलोसिटी रेशो होती है लिफ्टिंग मशीन की वो क्या होती है, वो होती है वाई बाई एक्स। अब यहाँ से देखिए डब्ल्यू बाई पी आ जाएगा, पी आप इस तरफ ले जाइए, एक्स इस तरफ ले जाइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाई पी इक्वल टू वाई बाई एक्स। यानी कि डब्ल्यू बाई पी क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज आपकी किसके बराबर आ गई, वेलोसिटी रेशो के। तो जो भी आइडियल मशीन होगी आपकी, जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, उसके अंदर क्या होगी, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेलोसिटी रेशो के बराबर होगी। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप आइडियल एफर्ट भी निकाल सकते हैं, ये चीज़ निकाल सकते हैं, और आइडियल लोड भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए अब यहाँ पे आइडियल एफर्ट आपको निकालना है, तो यहाँ पे जो ये P है, अब यहाँ पे ये जो P है ये आइडियल एफर्ट बन चुका है, क्योंकि आइडियल मशीन है और एफिशिएंसी 100% है। तो यहाँ से पी आई आप निकाल सकते हैं, जिसको हम आइडियल एफर्ट बोलेंगे, वो क्या आ जाएगा, W इंटू एक्स, W इंटू जो आ जाएगा W इंटू एक्स बाय पी आई इस तरफ जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जो आपका आइडियल जो एफर्ट है, तो पी आई आइडियल क्या आ जाएगा, या एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बाय वी आर, यानी कि डब्ल्यू बाय वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो क्या है, वाई बाई एक्स, तो एक्स ये जब नीचे आएगा तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू बाय वी आर। तो जो आइडियल एफर्ट है आप इस तरह से इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से आप आइडियल लोड भी निकाल सकते हैं, ये आइडियल लोड, तो यहाँ पे ये जो डब्ल्यू है ये भी आइडियल लोड हो जाएगा। तो आइडियल लोड क्या आ जाएगा, यहां अगर आप W निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, P इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स। तो यहां पे W क्या आ जाएगा, P इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स क्या है, वी आर है,
तो पी इंटू वी डॉट आर यानी कि वेलोसिटी रेशो, तो पी इंटू वेलोसिटी रेशो आपका आ जाएगा जो आपका आइडियल लोड है। तो आइडियल लोड भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने बात की कि आइडियल मशीन क्या है, आइडियल एफर्ट आपने किस तरह से निकाला इसी फॉर्मूले से, आइडियल लोड भी आपने इसी फॉर्मूले से निकाल लिया। लेकिन अगर हम एक्चुअल बात करें कि जो मशीन्स होती हैं हमारी, तो उनके अंदर फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं जो एक्चुअल लोड है, एक्चुअल एफर्ट है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, जो एक्चुअल मशीन होगी उसके अंदर हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, यानी कि एनर्जी का लॉस जरूर होगा। तो फ्रिक्शन के कारण होगा या किसी एरर के कारण होगा मशीन के, तो लॉस होगा ही होगा एनर्जी का। तो एफिशिएंसी क्या होती है मशीन की, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, वो होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, आउटपुट जो हमने निकाली थी वो क्या था कि जितना लोड होगा और वो कितना लिफ्ट होगा, यानी कि W इंटू एक्स, और इनपुट क्या है, जितना एफर्ट हम अप्लाई करेंगे और कितने डिस्टेंस तक वो मूव करेगा, यानी W एक्स बाई पी वाई क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। एक्चुअल मशीन जिसके अंदर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है उसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला उसका बनता है। अब आप यहाँ से एक्चुअल एफर्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से आइडियल एफर्ट निकाला था, यानी कि जो पी एक्चुअल है वो आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पी एक्चुअल आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से W बाय एफिशिएंसी इंटू वन बाय वी आर आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप पी निकालेंगे तो एफिशिएंसी इस तरफ आ जाएगी, W बाय एफिशिएंसी, और वाई बाय एक्स, एक्स नीचे आएगा तो वन बाई वी आर हमने लिख दिया। तो पी एक्चुअल आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसी तरह से W एक्चुअल भी आप निकाल सकते हैं। तो W एक्चुअल भी आप निकाल सकते हैं, W एक्चुअल जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एफिशिएंसी इंटू वी आर। तो W एक्चुअल जहाँ यहाँ से निकाले, एफिशिएंसी इस तरफ चली जाएगी, पी इंटू एफिशिएंसी, और वी आर भी इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पी इंटू एफिशिएंसी इंटू वी आर आपका आ जाएगा W एक्चुअल। तो आपने देखिए, आपने आइडियल एफर्ट भी निकाला, आइडियल लोड भी निकाला, एक्चुअल एफर्ट भी निकाला, एक्चुअल लोड भी निकाला, तो आप इससे सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी निकाल सकते हैं, एफर्ट कितना लगा है वो आप यहां पे निकाल सकते हैं, वो हम यहां पे निकाल के देख सकते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होगा, ये होगा हमारा पी एक्चुअल माइनस पी आइडियल, यानी कि जो एक्चुअल मशीन के अंदर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, माइनस उसमें से कर देंगे जो आइडियल का एफर्ट है, तो हमारा आ जाएगा एक्स्ट्रा एफर्ट कि कितना हमने अप्लाई किया है लोड को उठाने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट आ जाएगा। तो पी एक्चुअल आपके पास क्या है, डब्ल्यू बाय एफिशिएंसी इंटू वन बाय वी आर, तो आप यहां पे इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बाय एफिशिएंसी इंटू वन बाई वी आर, ये आप लिख लेंगे, माइनस पी आइडियल क्या है, पी आइडियल है आपके पास डब्ल्यू बाई वी आर, डब्ल्यू बाई वी आर है, तो ये आप दोनों टर्म पुट कर लेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको निकालना है, यानी कि एक्चुअल में से आइडियल को माइनस कर देंगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से जब डब्ल्यू एफिशियंसी, ये सॉरी डब्ल्यू बाई वी आर आप कॉमन ले लीजिए, W बाय वी आर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय एफिशिएंसी माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो टर्म है हमें बस पुट करनी है इसके बाद, निकालने के बाद, और ये हमारा सोल्व होता चले जाएगा। इसी तरह से आप डिक्रीज इन लोड भी निकाल सकते हैं, डिक्रीज इन लोड लिफ्टेड जो है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण वो क्या होगा, यानी कि W फ्रिक्शन के कारण जो डिक्रीज इन लोड है तो वो क्या होगा, W आइडियल, यानी कि आइडियल लोड जो है वो कितना है और W एक्चुअल कितना है, वही हमारा आएगा डिक्रीज इन लोड लिफ्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो W आइडियल क्या है, W आइडियल आपके पास ये है, यानी कि P इंटू वी आर है, तो आप इसको लिख लेंगे P इंटू वी आर माइनस W एक्चुअल, W एक्चुअल क्या है, P एफिशिएंसी इंटू वी आर, तो यहां भी आप लिख लेंगे P एफिशिएंसी इंटू वी आर, यानी कि वेलोसिटी रेशो। यहां से P इंटू वी आर को आप कॉमन ले लेंगे, यानी कि P इंटू वेलोसिटी रेशो को कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एफिशिएंसी। तो देखिए, ये सेकंड आपके पास इक्वेशन आई, ये फर्स्ट इक्वेशन आई, एक्स्ट्रा एफर्ट आपने निकाल लिया, और जो आपका डिक्रीज इन लोड लिफ्टेड था ड्यू टू फ्रिक्शन था, ये दोनों टर्म भी आप आसानी से निकाल सकते हैं जो फ्रिक्शन के कारण पैदा हुई हैं। तो ये थी आइडियल मशीन, आइडियल एफर्ट, आइडियल लोड, एक्चुअल जो लोड था, एक्चुअल एफर्ट था, एक्स्ट्रा एफर्ट था, और जो डिक्रीज इन लोड लिफ्टेड था ड्यू टू फ्रिक्शन, ये सारे टर्म्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।